हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों के मौसम में एकदम सॉफ्ट क्रीमी मार्केट जैसी आइसक्रीम घर पे बन जाए, वो भी सस्ते में और घर में बची हुई मिठाई से तैयार करेंगे। ये मेरे पास ताज़ा कतली पड़ी थी, जब तक ताज़ा थी तब तक ये सबने खाई, अब ये कुछ कतली मेरे पास बची है। इसी से अपन काजू वाली आइसक्रीम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कतली को अपन पीसेस में तोड़ लेते हैं और मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब इसको क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये फुल फेट वाला दूध है जिसको मैंने पहले बॉईल कर लिया, और इसके ऊपर जो मलाई आई है मैंने पूरी ले ली। इससे अपनी आइसक्रीम एकदम क्रीमी बनेगी। मीठे के लिए मैं यहाँ पर ये 1/4 कप जितना कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो इसमें बादाम का फ्लेवर है ही, बट मैं यहाँ पर ये वनीला एसेंस डाल रही हूँ जिसकी 7 to 8 ड्रॉप है। इसको 30 to 40 सेकेंड के लिए मैंने मिक्सी को चलाया, देख सकते एकदम क्रीमी बैटर तैयार हो चुका। बस अब कुछ नहीं करना है, कोई भी आप बॉक्स ले और उसमें ये बैटर डाल दे। मैंने इसको डाल दिया। अब ऊपर से इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये बादाम और काजू की कतरन डाली है, और रॉयल टच देने के लिए कुछ मैंने ये केसर के धागे ऊपर लगाए और पन्नी से इसको पैक कर दे, और जब तक ये जमे नहीं तब तक इसको फ्रीज़र में सेट होने दे। 10-12 घंटे बाद अपनी आइसक्रीम एकदम परफेक्टली सेट हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट एकदम क्रीमी बनी है। मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर बनाया, आप चाहे जैसा इसका फ्लेवर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो मेरे चैनल पर बहुत तरीके की आपको आइसक्रीम देखने को मिल जाएगी, बट आज की आइसक्रीम सबसे आसान और टेस्टी तैयार हुई। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। अभी तक प्रज्ञास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।